इंडोर स्टेडियम सादीपुरा बांडीपुरा में जो जेट्सो चैंपियनशिप 2022 की इफ्तिताही तकरीब खालिद स्पोर्ट्स एकेडमी के जेर एहतमाम हुई और प्रोग्राम का इफ्तिताह तरसिम शर्मा जनरल सेक्रेटरी जो जेट्सो JNK ने किया। दानिश शर्मा टेक्निकल डायरेक्टर JNK जो जेट्सो एसोसिएशन, खालिद अजीज जनरल बारामूला और मुजफ्फर अहमद जनरल सेक्रेटरी बांडीपुरा इस मौके पर मौजूद थे। बांडीपुरा के मेगा स्पोर्ट्स इवेंट का ऐलान किया गया जिसमें लड़कों के साथ साथ लड़कियों समेत 300 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में नौजवान खिलाड़ियों की शानदार लाइव परफॉर्मेंस भी पेश की गई जिसने हाजरीन पर सहर तारी कर दिया। शायकीन और फैमिलीज के साथ दीगर खेलों के शोबों से ताल्लुक रखने वाले कई खिलाड़ी और कोचेज भी तकरीब का हिस्सा थे। 800 प्लस स्टूडेंट्स की जो कि यहाँ पे आएंगे पार्टिसिपेट करने, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से हमारे कश्मीर प्रोविंस के जी। ये हमारा कल इसका ओपनिंग सेरेमनी होगा एंड इसका जो क्लोजिंग सेरेमनी रहेगा हमारा 7 को, तो नियर इसके लिए हमारा इवेंट चलेगा जी। जैसे कि अभी मैक्सिमम खाली कश्मीर में नहीं, पूरे JNK में, इवन कि हर हमारे इंडिया के हर पार्ट में जो ये ड्रग्स जो है कि हर जगह फैला हुआ है, तो इससे दूर रहने के लिए सबसे बढ़िया जो एक तरीका है वो है स्पोर्ट्स। अगर मैक्सिमम बच्चे स्पोर्ट्स में अगर इंडल्ज होंगे तो इससे क्या हमें बेनिफिट मिलेगा कि मैक्सिमम बच्चे जो है कि पूरा अपना ध्यान देंगे स्पोर्ट्स की तरफ और इनका जो बाकी चीज़ों से ध्यान हटेगा, और जैसे कि ड्रग्स जो है, ड्रग्स हो गए या बाकी और भी किसी तरह का जो भी नशा वगैरह हो गया उससे दूर रहेंगे। हमारा जो कश्मीर का जो मतलब एक कश्मीर डिवीज़न हमारा फर्स्ट चैंपियनशिप है, बाकी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप बाकी डिस्ट्रिक्स में हमारे रेगुलर चलते रहते हैं, पहले भी हुए हैं और अभी भी चलते रहेंगे आगे भी जी। और मैं पूरे तहे दिल से मैं थैंक्स करता हूँ हमारे JNK स्पोर्ट्स काउंसिल का, स्पेशली जो हमारे सेक्रेटरी हैं JNK स्पोर्ट्स काउंसिल के, नुजरत गुल मैम। मैम हमेशा रेडी रहते हैं स्पोर्ट्स को मतलब आगे बढ़ाने के लिए और इनकी हमें पूरी सपोर्ट रहती है। और सेकेंडली मैं थैंक्स करता हूँ डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा का जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया हमारे कश्मीर प्रोविंस में इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने का, एंड जो जिसको भी अभी सपोर्ट किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट बारामूला जुजुत्सु एसोसिएशन की तरफ से। ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है हमारा होने जा रहा है, कश्मीर डिवीज़न जुजुत्सु चैम्पियनशिप जो हम लोग करवा रहे हैं, और ये इसमें नियर अबाउट कोई 800 जो खिलाड़ी है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे कश्मीर डिवीज़न के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। और इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहता हूँ जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा जुजुत्सु एसोसिएशन है ये होस्ट कर रही है और सपोर्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट बारामूला जुजुत्सु एसोसिएशन। और आपकी मैसेज क्या रहेगी? हाँ, इसके लिए तो मेरा ये मैसेज है कि एक तो जो हमारा यूथ है, यूथ हमारा स्पोर्ट्स में आए और मैक्सिमम जो नशे से छूट कर हमारे स्पोर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स में अगर करे तो ज़्यादा बेटर रहता है। और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है हमारे JNK स्पोर्ट्स काउंसिल का जो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, और ये जो इवेंट होने जा रहा है ये माई यूथ माई प्राइड के अंडर होने जा रहा है। और मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट काउंसिल नुजरत गुल मैम का और हमारे जो बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है JNK स्पोर्ट काउंसिल का, इनका मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। कश्मीर डिवीज़न जुजुत्सु चैंपियनशिप की तैयारी चल रही है, पिछले 4 दिनों से हमारी ये तैयारी चल रही है और आज हम पूरा सेटअप किया है और कल से ये चैंपियनशिप स्टार्ट होगी। करीबन 800 से ज़्यादा खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे, कश्मीर डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट जो भी हैं 800 से ज़्यादा खिलाड़ी, और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का एक अच्छा रोल है इसमें। और यहाँ शादीपुरा इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का जो मैनेजमेंट